नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अदिति कृष्ण में। आज हम आपको बाजू का डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हमने मेन कपड़े ले लिए हैं, अब हम इसी पे मेजरमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले ये हम सीधी लकीर खींच लेंगे। अब बाजू की लंबाई ले लेंगे। तो बाजू की लंबाई टोटल हमें 10 इंच रखना है, तो यहाँ हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे, सीधी लकीर खींच लेंगे। इसकी टोटल चौड़ाई हमने 7.5 इंच ले लिए हैं। इसकी तैयारी नाप हम ले लेंगे। चौड़ाई हमारी 8 इंच है, तो हमने आधा ले लिए हैं, 4 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हमें निशान लगा लेना है, तो यहाँ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान से यहाँ हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। और ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिए हैं, निशान लगा लेंगे इस तरीके से 2.5 इंच पे। ऊपर हमने 2 इंच पे निशान लगा लिए। अब इसको इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब इसमें हमें आर्मोल की गोलाई ले लेनी है। ये हमने आर्मोल की गोलाई ले लिए हैं। अब यहाँ से हमने 5 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो यहाँ हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से सीधी निशान लगा लेनी है। आर्म होल की गोलाई के शेप दे देंगे, तो इस तरीके से इसे हम शेप दे देंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो हमने नाप लिए है वो हमारा सिंपल बाजू का नाप है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिए है वो हम चुन्नट बनाने के लिए डिजाइन के लिए ले लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसे भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे। तो ये हमने कट का निशान लगा लिए हैं, और ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ पे भी कट का निशान लगा लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमने जो कट का निशान लगाए हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलने को, और ये हमारा सेंटर का कट है। इस तरीके से हमें 1/2 इंच की चुन्नट बना लेनी है। ये हमने सेंटर तक चुन्नट डाली है, अब दूसरे साइड से चुन्नट डालेंगे इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से चुन्नट डाल ली है दोनों तरफ से। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया है। अब हम नीचे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड है, तो इस तरीके से किनारे से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से सिलाई कर लिए हैं। तो इस तरीके से डिजाइन हमारा बन चुका है, ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके के नए नए ब्लाउज के डिज़ाइन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।